सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे हो। तो अभी बज रहे हैं शाम के 4:15 और अभी मैं आया हूँ पार्क में, डी सेक्टर के पार्क में, जहाँ पर मैं वीडियो शूट करता हूँ। तो आज मैं यहाँ का गरबा दिखाने वाला हूँ। दरअसल मेरे घर के पास में, बहुत पास में है ये पार्क, और यहाँ पर भी फेस्टिवल हो रहा है, गरबा सेलिब्रेशन हो रहा है। मैं पास का इसलिए नहीं शूट कर रहा था क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे पहचान ले। तो अब मैंने सोचा खैर छोड़ो यार, बहुत सारे लोग जानते हैं, तो आज हम यहाँ का गरबा शूट करके दिखाएंगे। तो बहुत बड़ा पार्क है, मैं पहले पार्क दिखाता हूँ और जहाँ पर गरबा का फेस्टिवल है वो दिखाते हैं। सो ये है पूरा लाइक पार्क। पार्क बहुत ज़्यादा बड़ा है, देख रहे हो आप, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा है। और यहाँ पर हो रहा है फेस्टिवल, मतलब यहाँ पे पूरा पंडाल लगा है, वहाँ पर माता जी बैठे हैं। तो अभी 4:15 बज रहे हैं, तो अभी 4:15 यहाँ पर कीर्तन होने वाला है, जो मतलब सत्संग टाइप का होता है ना कुछ, तो वो होने वाला है। तो और शाम को 7-8 बजे होगा फंक्शन। पार्क देख रहे हो कितना बड़ा है। अभी तो 4:15 बज रहे हैं और ये जो फंक्शन होगा ये रात में स्टार्ट होगा, 8:30 बजे या 8 बजे स्टार्ट होगा, तो हम रात में आएंगे। तो अभी देखो यहाँ पर लाइक अभी हम थोड़ा और पास में आ गए हैं, यहाँ से देखो मस्त लग रहा है ना, काफ़ी अच्छी तरह से इन्होंने बनाया है, बहुत अच्छी तरह से, बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से। यहाँ पे अभी डीजे वाले भैया आ गए क्योंकि अभी भजन कीर्तन होगा ना, तो वो भी स्पीकर पे होगा। नाथ की जय हो, जय हो, जय हो, बोला था ना मैंने। तो अभी बज रहे हैं 8:30 और अभी मैं आ चुका हूँ पार्क में। अभी अंधेरा दिख रहा होगा, आई नो यहाँ पर इतनी रोशनी नहीं है, लाइट नहीं है, इस अकॉर्डिंग अंधेरे में काम चला लो। तो मैं आपको दिखाता हूँ पार्क की परफॉर्मेंस, ठीक है, डी सेक्टर की परफॉर्मेंस, गरबा ये हो रही है परफॉर्मेंस। मैंने डिम लाइट किया ताकि अच्छी तरह से कैप्चर हो जाए। सो अभी आप देखो यहाँ पर म्यूज़िक स्लो है जिसकी वजह से हमारी वॉइस अच्छी खासी रिकॉर्ड हो जाएगी। अभी बच्चों का गरबा हो रहा है जो बहुत ज़्यादा शानदार हो रहा है, बहुत ज़्यादा बच्चे हैं यहाँ पर, और वो बैक साइड में माता जी, वो स्पीकर के उस साइड में माता जी हैं, और ये है मतलब बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हैं जो ना तो मुझे जानते हैं ना मैं उनको जानता हूँ। सो अभी यहाँ पर बच्चों को कुछ लाइक गिफ्ट दिए जा रहे हैं, जिन्होंने गरबा किया था ना तो उन सबको गिफ्ट दिए जा रहे थे। ये है माता जी, बहुत खूबसूरत मूर्ति है, आज़ाद नगर डी सेक्टर विकास समिति होगा, है ना, हाँ समिति होगा, आगे ऊपर छुप रहा है ना इसलिए। सो बैक साइड में हो रहा है गरबा और यहाँ पर है माता जी मेरे सामने, मैं अगर इधर से दिखाऊंगा तो मैं भी दिख जाएगा। ये है माता जी और यहाँ गरबा स्टार्ट हो चुका है बालिकाओं का, तो मैं गरबा थोड़ी देर में दिखाऊंगा। पहले यहाँ से बैक साइड की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी आ रही है और यहाँ पर लाइट आ रही है जिसकी वजह से मुझ पर भी फोकस आ रहा है, तो मैं भी म्यूज़िक आए। ऐसा करते हैं हम लोकेशन चेंज करते हैं और गरबा को शूट करते हैं, उसके बाद हम यहाँ पर आएंगे, ठीक है। तो ये है गेट, मतलब एंट्री यहाँ से है, छोटा सा गेट है, और इस साइड में ये सारे हो रहे हैं फंक्शन, लाइक ये हो रहा है फंक्शन, अभी दिख रहा होगा, है ना। डिम लाइट करने से अच्छी सारी चीज़ें दिख जाती हैं, वो जो वाइट वाली लाइट है ना तो उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें छुप जाती हैं, इसलिए डिम लाइट करना पड़ता है। इस साइड में देखो, और ये मैं 4K में शूट करके देख रहा हूँ कि लाइक क्वालिटी कैसी है। लाइट में मुझे 4K में ही शूट करना पड़ता है, उसका स्टोरेज बहुत ज़्यादा हो जाता है, बट क्वालिटी मैटर करती है मेरे लिए नाइट में। तो फिर चेक करते हैं, फिर मिलते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर बैठा हूँ और यहाँ पर फीमेल्स का गरबा हो रहा है, मतलब बालिकाओं का गरबा हो रहा है। तो ये हो रहा है गरबा महिलाओं का, मतलब बालिकाओं का गरबा हो रहा है, महिलाओं का नहीं हो रहा है। और इस साइड में सारे लोग खड़े हैं, इस साइड में गरबा हो रहा है और यहाँ पर सब लोग बैठे हुए हैं। अभी देखो आप यहाँ से, मैं भी आपको दिख रहा होगा गरबा हो रहा है और यहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। इस साइड में लेडीज बैठी हुई हैं और उस साइड में लड़के खड़े हैं और जेंट्स बैठे हुए हैं। ये रहा मैं, आई डोंट नो मैं दिख रहा हूँ या नहीं दिख रहा हूँ, लाइट कितनी आ रही है मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है, क्योंकि ऊपर वाली लाइट का फोकस कम है ना, इसलिए। गरबा ख़त्म होता है, कुछ परफॉर्मेंस दिखाते हैं, फिर हम यहाँ से 9:00-11:00 हो जाएंगे। सो अभी ख़त्म होने आया गरबा, अभी 5 मिनट में ख़त्म होने वाला है गरबा, फिर होएंगी यहाँ पर परफॉर्मेंस अच्छी अच्छी हो। क्या मस्त गरबा हो रहा है ना, और एक तो पंडाल बहुत अच्छा लगा है, जो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने डिम लाइट किया ताकि ब्राइटनेस फोकस आ जाए।
तो अभी होने लग गया है महिलाओं का गरबा, अभी महिलाओं का गरबा हो रहा है। बट आई डोंट नो यहाँ पर परफॉर्मेंस होती है या नहीं होती है, अगर होती है तो कब होगी मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। मैं बस यहाँ पर बैठ के गरबा देख रहा हूँ, पहले बालिकाओं का हो रहा था अब महिलाओं का हो रहा है, तो कोई बात नहीं गरबा देखते हैं, अगर परफॉर्मेंस होगी तो आपको भी दिखाएंगे। तो अभी आप गरबा देखो महिलाओं का, महिला शक्ति सशक्तिकरण, महिला शक्ति सशक्तिकरण। तो अभी परफॉर्मेंस हो रही है, काफ़ी दूर बैठा हूँ मैं क्योंकि पंडाल बहुत बड़ा है ना इसलिए, और डांस भी उस साइड में हो रहा है, इधर होता तो और अच्छी तरह से कैप्चर हो जाता। दी है हमको मनुष्य जीवन को, किस तरह से हम आनंद से जी सकते हैं, ये सारी व्यवस्थाएं उसी का अंग है। नवरात्रि हो चाहे दीपावली हो चाहे होली हो, ये जो त्यौहार बनाए गए हैं हमारे जीवन को किस तरह से हम आनंदमय बना सके इसकी व्यवस्था हमारे पुरखे करके गए हैं। इस परंपरा में भक्ति और शक्ति का निश्चित रूप से मिश्रण होना चाहिए। कुछ व्यवस्थाएं आती जा रही है, ये युग के अनुरूप है। मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि इसमें भक्ति का स्फुट ज़्यादा रखें, जिससे माता जी हम पर सब प्रसन्न होगी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। जय माता जी। धन्यवाद विधायक साहब। अगेन गरबा स्टार्ट हो चुका है, अब और ज़्यादा लोग आ चुके हैं, यहाँ पर बच्चे भी आ चुके हैं जो बीच साइड में है। पहले बच्चे हैं फिर बड़ी महिला, पहले बच्चे हैं फिर बड़ी बालिकाएं हैं और फिर महिलाएं हैं। बस ऐसे कंटिन्यू म्यूजिक चेंज करते रहो, कॉपीराइट क्लेम से बचा दो। तो अभी क्या मिक्स में गरबा हो रहा है, कपल गरबा हो रहा है, मतलब जेंट्स और गर्ल्स फीमेल इमेल जो है सब पंडाल में घुस जाओ और मजे से गरबा करो। बट ना तो मुझे आता है और ना ही मैं करने जा रहा हूँ, मैं बैक से शूट करके तो दिखा सकता हूँ ना, मिक्स वाला गरबा और डांस। तो ये हो रहा है गरबा प्लस डांस, ये भाई साहब हट जाए बस। ओ सो अभी सारी परफॉर्मेंस ख़त्म हो चुकी हैं, मतलब अभी 10:30 बज रहे होंगे, सारी की सारी परफॉर्मेंस ख़त्म हो चुकी हैं। ज़्यादातर गरबा हुआ था, डांस हुआ, ये सारी चीज़ें हुई, हमने बहुत सारी चीज़ें कैप्चर की। तो अब घर पे चलते हैं, वीडियो का एडिट करते हैं और अपलोड करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और एक अच्छा सा कमेंट करो, और नेक्स्ट लोकेशन हमें बताना कि अब हमें कहाँ पर जाना है और क्या शूट करके आपको दिखाना है। मुझे हर कोई नए नए दिन, मतलब अलग अलग दिन इन्वाइट करता रहता है, तो उस अकॉर्डिंग। सो अभी हम चलते हैं माता जी के पास, वहाँ पर थोड़ी देर चलते हैं, फिर हम घर चलेंगे, ठीक है।